हे गाइस, तो कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। और आज का वीडियो कोई गेम प्ले वगैरह नहीं है। आज का वीडियो आप लोग टाइटल और थंबनेल देख ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि हम लोग एक और टूर्नामेंट देने वाले हैं हमारे चैनल के अंदर। तो दोस्तों, मैंने ये टूर्नामेंट के पहले मैंने एक और दो टूर्नामेंट दिया था, और जो मेरा बेस्ट टूर्नामेंट था वो था गाइस P10 चैंपियनशिप, जिसका फाइनल मैंने हो चुकी है, जिसका फाइनल और उस टूर्नामेंट के अंदर चैंपियन हो चुके थे इंडिया। तो दोस्तों, उसी टूर्नामेंट के ऊपर हम लोग लाएंगे, फिर से एक बार लाए हैं एक और टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट का नाम है गाइस T10 सुपर लीग, सॉरी दोस्तों T20 सुपर लीग। तो दोस्तों, इस टूर्नामेंट को हम लोग पूरी की पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अब बात है कि ये टूर्नामेंट हम लोग कैसे देने वाले, मतलब ये टूर्नामेंट कितने टीम्स के अंदर होगा, सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये टूर्नामेंट अब आप लोग जैसे T10 में 10 टीम था, लेकिन इस T20 में हम लोग 8 टीम को रखे हैं, और 8 टीम के अंदर आप लोग कह सकते हैं 8 कौन सी टीम, कौन दो टीम आउट हो चुके हैं मैं बता देता हूँ। और ICC का जो रैंकिंग है, मतलब जो T20 का टीम का जो रैंकिंग है, उसके अंदर जो टॉप 8 टीम है, हम लोग उस 8 टीम को ही ले चुके हैं। और उसके अंदर अगर हम लोग कह सकते हैं ये टूर्नामेंट के आउट हो रही है वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान, ये दोनों टीम नहीं खेलेगा इस टूर्नामेंट के अंदर, बाकी 8 टीम खेलेगा। और मैं बता देता हूँ, इसके अंदर भी हम लोग ग्रुप बनाए हैं, दो ग्रुप इस टूर्नामेंट के अंदर खेलेगी, एक ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो दोनों ग्रुप के अंदर हम लोग रखे हैं। ठीक है गाइस, आप लोग कह सकते हैं ग्रुप ए के कौन है, ग्रुप बी के कौन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दे चुके हैं कि ग्रुप ए पे ये 4 टीम और ग्रुप बी के हैं ये 4 टीमें। तो दोस्तों, टूर्नामेंट की बात, मतलब टीम का बात यही, अब बात आती है ये टूर्नामेंट कौन से स्टेडियम के अंदर होगा। देखो गाइस, मैं मेरे चैनल के अंदर 2-3 टूर्नामेंट में दिया था, और 2-3 टूर्नामेंट ही मैंने इंडिया के स्टेडियम के ऊपर दिया था, और मैं सामने भी एक और 2 टूर्नामेंट दूंगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि ये जो टूर्नामेंट होगा ये पूरी पूरी बांग्लादेश के स्टेडियम के अंदर होगा, मतलब ढाका के स्टेडियम के ऊपर, क्योंकि एक इसके बाद जो एक और टूर्नामेंट आएगा वो हम लोग इंग्लैंड के स्टेडियम के अंदर देंगे, इसीलिए मैंने ये टूर्नामेंट हम लोग ढाका के स्टेडियम के अंदर रखे हैं। तो दोस्तों, अगर तो ये बात गई स्टेडियम की, तो उस तब कहते हैं ये कितना ओवर का होगा, तो दोस्तों ये कितना ओवर का होगा, पता है ये T20 मैच है तो T20 ही होगा। अब बात करते हैं, ये टूर्नामेंट भी वैसे ही है, मैंने सभी टीम लोगों को एक एक करके मैं लोग लेके मैं खेलूँगा, सभी टीमों को मैं चूज चूज के खेलूँगा, ताकि सभी टीम ही चांस मिले या फिर सेमीफाइनल पे फाइनल जाने के लिए। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं एक और बात की तरफ कि ये और ये टूर्नामेंट हम लोग 1-2-3 दिन ही स्टार्ट कर देंगे। तो यही था आज के वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, इस चैनल का नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने साथ इस टूर्नामेंट के फर्स्ट मैच के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, मैं चैनल के साथ ही रहेगा। बाय बाय।